पहले हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस देखी हमने वीडियो में, फिर अभी देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखना है ब्रेन डोमिनेंस को, क्योंकि क्या ये बच्चा और क्या हम लेफ्ट ब्रेन थिंकर हैं या राइट ब्रेन थिंकर हैं, हम लॉजिकल थिंकर हैं क्रिएटिव थिंकर हैं। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज केवाईसी में है लर्निंग स्टाइल, कि हम विजुअल लर्नर हैं कि ऑडिटरी हैं कि कैनेस्थेटिक लर्नर हैं, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं ऑडिटरी लर्नर हूँ, व्हाट इज द स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए अगर कैनेस्थेटिक लर्नर है तो एक जगह ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाएगा, और अगर हम इनको ट्यूशन भेजेंगे तो इनके परसेंटेज नीचे जाएंगे, क्योंकि इन्हें एक्टिवली काम करना है और ट्यूशन पे ऐसा संभव नहीं है। और फोर्थ फैक्टर वो जो आपको जानना है वो है थिंकिंग स्टाइल, कैसे सोचते हैं। फिफ्थ, पर्सनालिटी स्टाइल क्या है, यहाँ पे डोप थ्योरी है, यहाँ पे एक थ्योरी है, जो लोग डव होते हैं वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं, जो आउल होते हैं वो इंटेलिजेंट भी होते हैं और फॉल्ट फाइंडर्स भी होते हैं, जो लोग पीकॉक होते हैं बहुत कलरफुल होते हैं टॉकेटिव होते हैं, और जो ईगल होते हैं डोमिनेटिंग होते हैं और उन्हें किसी तरीके का कंट्रोल पसंद नहीं होता है, वो ऑर्डर्स नहीं ले सकते हैं। तो देखिए कितना जरूरी है हमें पर्सनालिटी को भी जानना। और सिक्स्थ हमें ये आ रहा है कि रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी, क्योंकि देखिए जब हम लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करते हैं, बिजनेस पार्टनर, फ्रेंड्स, ये कंपैटिबिलिटी रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पर्सनालिटी और ब्रेन पे का इसमें रोल है। सेवन्थ, अक्वायरिंग स्टाइल क्या है आपका या आपके बच्चे का, रिफ्लेक्टिव है, इफेक्टिव है या रिवर्स थिंकिंग है या आप कॉग्निटिव लर्नर्स हैं, ये आपको जानना है। एट्थ, आपका कोशेंट क्या है, IQ, EQ, CQ, AQ, इंटेलिजेंट कोशेंट, इमोशनल कोशेंट, क्रिएटिव कोशेंट एंड डाइवर्सिटी कोशेंट। पहले ये सोचते थे हम लोग कि भाई जो बहुत इंटेलिजेंट है IQ इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आज की डेट में EQ इक्वली इंपॉर्टेंट है, बल्कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और AQ विपरीत परिस्थिति में आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप स्ट्रेस एंग्जाइटी अपने हर उसको भी अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे। 9th, आपका मैनेजमेंट स्किल क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, लीडरशिप स्टाइल क्या है, आप कैसे लोगों को हैंडल करेंगे, सिचुएशन को हैंडल करेंगे, और आपकी डिसीशन मेकिंग एबिलिटी क्या है, कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीशन मेकिंग एबिलिटी लोगों की बहुत वीक होती है।